205 साल बाद बन रही है ये ग्रह स्थिति की धरती के सबसे करीब आ रहा है मंगल और शनि राहु केतु भी हैं वक्रीय, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं संतान पर क्या कुछ असर डालेगी ये ग्रह स्थिति। और अब बात कर लेते हैं संगति की, कहते हैं कि आजकल के बच्चों की संगति उनका जीवन कैसा रहेगा डिसाइड करती है, तो ये ग्रह स्थिति क्या? चारों ही ग्रह अपराध से जुड़े हुए हैं। बच्चे के घर के और बाहर के वातावरण का सीधा असर उसके संस्कारों पर, उसकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पे पड़ता है। इसलिए संतान के संस्कारों पर विपरीत प्रभाव इस समय पड़ सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संबंध हो सकता है। खान पीन के स्तर में गिरावट आ सकती है, यानी कि स्मोक करना, कई प्रकार के शराब, मांसाहार इत्यादि। इन दिनों में देखिए आप जहरीली शराब और ड्रग्स के कुछ कंसाइनमेंट पकड़े जाने, इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए शराब, मांसाहार, तंबाकू के सेवन के प्रति बच्चों में एक नेचुरल सा इंक्लूसिवनेस होती है, थोड़ी सी लाइकिंग सी होती है, उत्सुकता होती है, वो सब पॉसिबल होती है ऐसे ग्रहों में। इसलिए नैतिक मूल्यों में गिरावट संभव हो सकती है। झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है, क्योंकि इस प्रकार के जब खान पीन होगा झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है। पढ़ाई से मन चुरा सकते हैं, पढ़ाई से मन हट सकता है। बड़ों के लिए अपने सुपीरियर्स, बेशक वो पेरेंट्स हो, बड़े भाई बहन हो, रिश्तेदारों या टीचर्स हो, उनके लिए अपमानजनक भाषा का, एब्यूजिव लैंग्वेज का ये हो सकता है। इसमें जो बुरी संगति से बचने के लिए लगातार जो है भगवान शिव, दुर्गा और हनुमान, इनके देवताओं की पूजा करें, मंदिर में ले जाके संतान के सामने खान पीन का ध्यान रखें, उनके सामने वैल्यूज को रखें, धन संपत्ति और परिवार से जुड़े अन्य मुद्दों पर बहस न करें, घर में खान पीन के ऊपर अच्छा का माहौल रखें, भागवत, सुंदरकांड और मंत्रों के जाप करें, गायत्री मंत्र विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। किसी दूसरी गतिविधि में बच्चों का ध्यान लगाएं, जैसे बच्चों को खेल के लिए बाहर भेजना, स्कूल्स में अच्छी जगह पे इवनिंग्स में बाहर भेजना, अच्छी संगति में डालें, बच्चों के वजन के बराबर गुड़, गेहूं और काले उड़द तथा तिल का दान करें। चलिए, तमाम चीजों के आपने उपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में हैं, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।